लड्डू गोपाल को बाल गोपाल को सुबह जगाने से लेकर के रात्रि में शयन कराने तक लाला अपने सेवादार अपनी मैया बाबा से इतना प्रेम करते हैं कि बस उनको हर पल हर क्षण अपने मैया बाबा ही चाहिए होते हैं। और आप भी स्वयं से अपने दिमाग में बस आपके भी बाल गोपाल ही चला करते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने का सही तरीका क्या है। लड्डू गोपाल को सुबह बहुत ही प्रेम से जगाइए। उनको जगाने के लिए आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। समय निर्धारित का मतलब है कि जैसे अब मौसम बदल गया है, आपको उनको सुबह बहुत जल्दी नहीं जगा देना होता है कि आप बिल्कुल सुबह उनको 5 बजे ही जगा दें। उनको आपको एक समय निर्धारित करना होता है, 6, 6:30, 7 बजे तक भी आप उनको आराम से जगा सकते हो। जगा देने के बाद में आपको लड्डू गोपाल को मौसम के हिसाब से कुछ भोग लगाना होता है। भोग में सबसे पहले आप उनको जल ग्रहण करवाएं। आचमन करने के बाद में थोड़ी देर रुकने के बाद में आपको लड्डू गोपाल को इस प्रकार से स्नान कराना होता है। अब स्नान कराने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह लड्डू गोपाल को जगाने से ही, जैसे ही जगाते हैं वैसे ही स्नान करा देते हैं, जो कि गलत है। बाल गोपाल बहुत छोटे हैं भाई। जैसे छोटा बच्चा है वो उठता है, फिर उसका मन करता है, थोड़ा उनका मूड बनाया जाता है कि भाई अब स्नान करना है, वैसे ही लाला को मनाया जाता है कि लाला चलो अब सुंदर सा स्नान कर लो और मैं तुम्हारा सुंदर सा श्रृंगार कर लूँ। इस तरीके से देखिए, चंदन से आप गोपी चंदन और केसर मिला करके और गुलाब जल से आप लड्डू गोपाल का स्नान करवा सकते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है और आपके समय पे निर्भर करता है। आप चाहे तो रोज़ लड्डू गोपाल को गोपी चंदन से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप साप्ताहिक 2 दिन पे 3 दिन पे भी आप उनको चंदन से, गोपी चंदन से इस प्रकार से स्नान करा सकते हैं। अब गोपी चंदन से स्नान जब करवाइए तो कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, जो कि अंगूठे का प्रयोग लड्डू गोपाल को स्नान कराने में नहीं करना चाहिए। बाकी जिस प्रकार से आप छोटे 6 महीने से भी कोमल बच्चे को स्नान कराते हो, बस आपको उसी प्रकार से लालाओं को स्नान कराना होता है। तो यहाँ पे मेरे सारे लड्डू गोपाल आप देख रहे हैं विराजमान हैं, और मेरे प्यारे बिहारी लाला जिनका पहले से ही श्रृंगार हो रखा है, उनको मैं चंदन से श्रृंगार स्नान नहीं कराती हूँ, गोपी चंदन से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास भी श्रृंगार किए हुए लाला हैं तो आप उनको गोपी चंदन से जो स्नान है वो ना कराएं। बहुत ही आराम से सुंदरता से लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराइए, अंग पोषण करिए, उनको बहुत अच्छे से पोंछिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जो लड्डू गोपाल हैं उनमें वो चमक नहीं दिख रही है, या उनमें थोड़ा सा उनका जो कलर है वो थोड़ा सा डल लग रहा है। तो देखिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, अगर आप उनको अच्छे से नहीं पोंछेंगे तो अगर ज़रा भी पानी लाला के रह जाता है तो इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। अब आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि उनको अच्छे से मुलायम तौलिए से कपड़े से आपको पोंछना है लड्डू गोपाल का। उसके बाद में आपको सुंदर सा श्रृंगार कर लेना है। श्रृंगार के लिए आप पोशाक पहले ही निकाल के रख लें, जिससे बहुत ज़्यादा उनको स्नान करने के बाद में समय और इंतज़ार उनको स्वयं को ना करना पड़े। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते समय जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा भारी ऐसा माला ना पहनाएं जो कि पहनने पे लड्डू गोपाल को कष्ट हो। आपको उनको बहुत ही सिंपल, बहुत ही रोज के लिए आप उनको ऐसा माला और श्रृंगार करें जिससे उनको कष्ट ना हो, ज़रा भी उनके चुभे ना। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। लड्डू गोपाल को स्नान के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख का ज़रूर इस्तेमाल करें। प्रभु को दक्षिणावर्ती शंख से आप स्नान करवाएं, लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से मेरे लड्डू गोपाल ने तुलसी माला और वैजंती माला धारण की हुई है, तो मैं अब उनको बहुत ही आराम से एक थोड़ी सी लंबी माला पहना दूंगी। श्रृंगार उनका अवश्य करिए, चाहे आप हल्का ही श्रृंगार क्यों ना करें, क्योंकि लड्डू गोपाल को, लाडली जी को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है जी। श्रृंगार के लिए भी जो नए सेवादार हैं वो ध्यान रखें कि अगर आपके पास में सुबह समय कम है तो आप बहुत हैवी श्रृंगार ना करें, और आप एक दिन पहले ही श्रृंगार और उनकी पोशाक निकाल के रख लें, क्योंकि हल्का ही सही श्रृंगार तो लाला ज़रूर करेंगे।
इस प्रकार से आपको उनके केश लगाने होते हैं, सुंदर श्रृंगार करना होता है, चंदन अवश्य लगाइए, उनको टीका ज़रूर लगाइए और आप उनको बहुत सुंदरता से सजाइए। जैसे वो प्रसन्न होते हैं, जैसे जैसे आप उनका श्रृंगार करते जाओगे, वैसे वैसे लड्डू गोपाल जो है ना आपको स्वयं दिखेगा कि वो कितने प्रसन्न होंगे। क्या लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना ज़रूरी है? क्या लड्डू गोपाल को रोज़ श्रृंगार करना ज़रूरी है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब आप ये बताइए, क्या आपके घर में जो छोटा बालक है आप उसका रोज़ स्नान नहीं कराते गर्मियों में, या आप उसका रोज़ श्रृंगार कपड़े नहीं चेंज करते? उसी प्रकार से लाला तो बहुत छोटे हैं, उनका भी आपको इसी प्रकार से रोज़ स्नान करवाना होता है। और आप भले ही उनका रोज़ श्रृंगार ज़्यादा हैवी ना कर सकें, लेकिन स्नान तो आपको लड्डू गोपाल को ज़रूर कराना होता है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी है कि लड्डू गोपाल की आरती क्या वो सुबह उनको बिना स्नान कराए कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लड्डू गोपाल की आरती उनको स्नान श्रृंगार कराने के बाद, उनके सिंहासन पर विराजमान करने के बाद में ही करना होता है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा करिए, जो कि बहुत ही सरलता से हो जाती है। आप लोग जो नए सेवादार हैं, लड्डू गोपाल की सेवा को बिल्कुल भी हवा ना बनाए, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही मुकद्दर से मिलती है और बहुत ही सरल होती है। बस करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल, हरी हरी बोल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।